एक एक मंत्रियों के पास तीन तीन चार चार मंत्रालय हैं, जिस वजह से वो मंत्रालयों पे अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देना दे पा रहे हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूंगा कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करें। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी सही समय पर सही फैसले लिए हैं, आने वाले समय में भी सही फैसला करें जो बिहार के और सबके हित में होगा। किसी के चाहने न चाहने का सवाल नहीं है, सवाल है जब भी मुख्यमंत्री समझते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है तो वो करते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन, में हूँ आपके साथ नरोत्तम। बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार के चर्चाएं काफी तेज है, ऐसे में महागठबंधन के तीनों दल कांग्रेस, आरजेडी और जेडीयू आमने सामने है। कांग्रेस का कहना है कि एक ही व्यक्ति चार चार पाँच पाँच मंत्रालय थामे हुए है, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार आवश्यक है। वहीं जेडीयू का कहना है कि मुख्यमंत्री जी को जब लगेगा कि मंत्रिमंडल विस्तार होना चाहिए तो वो कर लेंगे। आरजेडी का कहना है कि मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार है, वो जब चाहेंगे जब कर सकते हैं। क्या कुछ कह रहे हैं पहले तीनों दल के नेता, पहले सुने आप। कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के हमारे नेता श्री राहुल गांधी जी बार बार नीतीश कुमार जी से बात कर रहे हैं और लालू यादव जी से भी बात कर रहे हैं और तेजस्वी जी से भी बात कर रहे हैं, पर ऐसा देखा जा रहा है कि मुद्दे को आपस में एक दूसरे पे फेंका जा रहा है, जबकि बिहार में मंत्रिमंडल का विस्तार बहुत पहले हो जाना चाहिए था, क्योंकि इसके वजह से बिहार की विकास में काफ़ी फर्क पड़ रहा है। एक एक मंत्रियों के पास तीन तीन चार चार मंत्रालय हैं, जिस वजह से वो मंत्रालयों पे अच्छे तरीके से ध्यान नहीं देना दे पा रहे हैं। तो मैं नीतीश कुमार जी से आग्रह करूँगा कि जल्द से जल्द मंत्रिमंडल का विस्तार करें और बिहार को विकास की एक नई प्रगतिशील रास्ते पर लेकर के जाएं, जैसा कि बार बार अन्य घटक दल भी कह रहे हैं उनको, और कभी वो तेजस्वी जी के बारे में कह रहे हैं, तेजस्वी जी नीतीश जी के बारे में कह रहे हैं। तो मैं आप दोनों लोगों से यही अनुरोध करता हूं कि मंत्रिमंडल का जल्द से जल्द विस्तार करें और बिहार की राजनीति की दिशा और विकास की दिशा के बारे में सोचें, क्योंकि 2024 का चुनाव भी आने वाला है और अभी तक मंत्रिमंडल का विस्तार नहीं हो पाया है। 25 में फिर दोबारा बिहार का इलेक्शन हो जाएगा, सिर्फ एक साल का समय बचा है करीब करीब, और इन एक सालों में अगर मंत्रिमंडल का विस्तार अभी हो जाता है तो कम से कम बिहार को एक अच्छी विकास की प्रगतिशील रास्ते को दिखाया जा सकता है और सभी के मेहनत से बिहार को प्रगति के पथ पर लाया जा सकता है। कैबिनेट का विस्तार मुख्यमंत्री जी का विशेषाधिकार होता है। कैबिनेट विस्तार कब करना है, नहीं करना है, किनको शामिल करना है, नहीं करना है, अंतोगत्वा फैसला मुख्यमंत्री जी ही लेते हैं। जहां तक गठबंधन का सवाल है, गठबंधन में सभी घटक दल शामिल हैं, सबके वरिष्ठ नेता मिल बैठकर कोई भी फैसला लेते हैं, इसीलिए नाहक ही कुछ लोग परेशान होते रहते हैं। मुख्यमंत्री जी ने पहले भी सही समय पर सही फैसले लिए हैं, आने वाले समय में भी सही फैसला करेंगे जो बिहार के और सबके हित में होगा। मंत्रिमंडल विस्तार का विशेषाधिकार माननीय मुख्यमंत्री को होता है, पर यह खबर कहां से आ रही है मुझे खुद पता नहीं है। अच्छा, नीतीश जी का बयान तो वो सुने है ना, इशारा करते हुए कि भाई फैसला तो उन्होंने गठबंधन को लेकर के कहा कि भाई तेजस्वी जी भी है, कांग्रेस पार्टी भी है जो पार्टिसिपेट कर रही है सरकार के अंदर, उस ओर इशारा था। बाबत भी जो प्रोगेटिव होता है, विशेषाधिकार होता है मंत्रिमंडल को विस्तार करने का, वो मुख्यमंत्री जी का होता है, उन्हीं का निर्णय अंतिम होता है। आप लोग चाहते हैं कैबिनेट विस्तार हो या नहीं, समय पर चीजें मंत्रिमंडल विस्तार होता भी रहता है। बहुत दिन से चर्चा चल रही थी केंद्रीय मंत्रिमंडल का विस्तार हो रहा है, कहां हो रहा है। 10-12 बार तो खबर उछली, फलना गठबंधन के दल के फलना आदमी फलना मंत्री बन रहा, यहां तक भी चर्चा हुई, लेकिन हुआ कुछ नहीं। कांग्रेस तो चाहती है कि कैबिनेट का विस्तार हो। कांग्रेस चाहती है तो कांग्रेस बात करेगी, कोऑर्डिनेशन में है, बात जाके करेगी, ये कोई विषय नहीं है। कि किसी के चाहने ना चाहने का सवाल नहीं है, सवाल है जब भी मुख्यमंत्री समझते हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार की जरूरत है तो वो करते हैं। तो आपने सुना, तीनों दल के नेता साफ तौर पर कांग्रेस का कहना है कि एक ही व्यक्ति चार चार पांच पांच मंत्रालय लिए हुए हैं, ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार की आवश्यकता है। वहीं जेडीयू का कहना है
कि मुख्यमंत्री जी को जब लगेगा कि मंत्रिमंडल विस्तार करना चाहिए तो वो कर लेंगे। आरजेडी साफ तौर पर कही है कि मुख्यमंत्री का विशेषाधिकार है, वो जब चाहेंगे जब कर सकते हैं। आपने सुना तीनों नेताओं का बयान, अब बने रहें न्यूज़ फाउंडेशन के साथ।